वेलकम टू शिवीज क्लासेस जोन। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि राउंड ऑफ नंबर्स कैसे करते हैं, मींस राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, सक्सेसर नंबर्स, प्रीसीजर नंबर्स बताए थे, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी क्लास 4 के प्लेलिस्ट की, वहां से जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 में नंबर को राउंड ऑफ करना है, तो जब 10 की बात आती है तो जो नंबर चेंज होता है या जो भी डिफरेंस आता है वो टेंस के प्लेस वाले नंबर पे आता है। तो यहाँ पे टेंस के प्लेस पे है 6, नेक्स्ट नंबर टेंस के प्लेस पे 5 है, यहाँ पे 1 टेंस के प्लेस पे 6 है, टेंस के प्लेस पे 4 है और यहाँ पे टेंस के प्लेस पे 8 है। तो अब इसमें करना ये होता है कि टेंस के जस्ट पहले वाला जो नंबर है उसे हम देखेंगे। अगर वो नंबर बिलो 5 है तो क्या होगा कि यहाँ पे 6 ही रह जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा, मींस जो नंबर था उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 5 के बिलो है नंबर, तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा, ये वाला नंबर एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 0, मीन्स 61 राउंड ऑफ करेंगे तो 60 आएगा। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बता दूं। सपोज यहाँ पे ये है नंबर लाइन और यहाँ पे है 60, यहाँ पे है 70, ठीक है, और बीच में 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, ये हैं सारे नंबर। तो 60 के बाद 61, तो 61 किसके सबसे पास है, 60 के पास है, इसलिए 61 को अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 60 हो जाएगा। इसी तरह 62 करेंगे तो वो भी 60 के ही पास होगा, 63 भी 60 के पास होगा, 64 भी 60 के ही पास होगा। जैसे ही मिड में आता है 65, तो 65 क्योंकि बिल्कुल मिड का नंबर होता है, तो जब भी मिड तक हम लोग पहुंच जाते हैं तो कभी भी हम बैक नहीं जाते, हमको हमेशा आगे जाना होता है, ठीक है। तो 65 अगर यहाँ पे होता तो उसका राउंड ऑफ होता 70, बट 61, 62, 63 और 64 है तो वो राउंड ऑफ होगा 60 के। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 55 है, तो जो भी चेंजेस होगी इस वाले टेंस के प्लेस पे होगी, बट हमें वंस वाला नंबर देखना होता है। तो ये क्योंकि 5 है, मीन्स मिड टर्म में है, तो क्योंकि ये मिड है तो ये नंबर 5 से 6 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 0, मीन्स अगर यहाँ पे हम 50 और यहाँ पे 60 करेंगे तो 55 तो बिल्कुल मिड में आता है, तो ये बैक नहीं जाएगा, 50 के पास नहीं जाएगा, ये हमेशा नंबर आगे चला जाएगा। 54 होता, 51, 52, 53, 54, तब तो राउंड ऑफ इसका 50 आता, बट 55 हो अगर, 56, 57, 58, 59, तो नंबर हमेशा राउंड ऑफ आगे वाला होता है, तो हो जाएगा यहाँ पे 60। नेक्स्ट नंबर है 68। अब ये वाला देखिए, जो वंस के प्लेस पे है वो बिलो 5 नहीं है, अबव 5 है, तो क्योंकि अबव 5 है तो ये नंबर 6 से 7 हो जाएगा और यहाँ पे लिख देंगे 0 और आगे का नंबर एज इट इज उतार देंगे। तो 168 का राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टू 10 तो आ जाएगा 170। इसी तरह नेक्स्ट नंबर है 9, ये भी अबव 5 है, तो अबव 5 है तो ये 4 का 5 बन जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और पीछे के नंबर हम लोग एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट नंबर यहाँ पे है 8, टेंस के प्लेस पे, और हमें ये चेक करना है, तो ये भी अबव 5 है, तो अबव 5 है तो ये वाला 8 9 बन जाएगा, आगे 0 हो जाएगा और पीछे का नंबर हम एज इट इज लिख देंगे। अगर यही 8 2 होता या 4 होता तो यहाँ पे 90 की जगह क्या हो जाता, 80 हो जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नियरेस्ट टू 100। अब नियरेस्ट टू 100 करना है, मीन्स 100 के प्लेस पे जो नंबर है वो उसमें चेंजेस आएंगे, जैसे कि ये 1 है 100 के प्लेस पे, यहाँ पे 100 के प्लेस पे 2 है, यहाँ पे 100 के प्लेस पे अगेन 1 है, नेक्स्ट 100 के प्लेस पे 1 है और यहाँ पे 100 के प्लेस पे है 5। तो अब जब नियरेस्ट टू 100 की बात आती है तो आगे के ये दोनों नंबर्स हमें देखने होते हैं। ये दोनों नंबर अगर बिलो 50 होते हैं तब तो ये नंबर 1 ही रह जाएगा और यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, मीन्स 100 हो जाएगा, बट अगर ये नंबर 50 या अबव 50 होते हैं
तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 00, क्योंकि नंबर लाइन जैसे कि मैंने बोला, जैसे आप लोग 5 का करते हैं तो 5 में जब होता है तो 55 या 65 मिड में आता है दोनों के। इसी तरह अगर हम 1 से 100 की बात करें तो जो 50 होता है वो बिल्कुल मिड टर्म होता है। तो 50 होता है नंबर या अबव 50 होगा तो हम आगे चले जाएंगे, और तो एक भी नंबर 50 से कम जैसे 49 हुआ तो हम बैक आ जाएंगे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ नंबर है 78 मींस अबव 50 है। तो अबव 50 है तो ये जो 1 है यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, आगे 00 हो जाएगा, और जो पीछे एक और 1 लगा हुआ है वो एज इट इज लिख देंगे, तो ये नंबर बन जाएगा 1200, क्योंकि यहाँ पे 1178 था तो ये 78 अबव 50 है इसलिए ये 1200 में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए 42 है, बिलो 50 है, तो बिलो 50 है तो ये वाला जो 100 के प्लेस पे नंबर है वो एज इट इज रहेगा और आगे 20 हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे देखिए जो नंबर है आगे 18 है, मींस बिलो 50 है ये भी, तो यहाँ वाला 1 एज इट इज लिखेंगे, आगे 00, और ये जो सबसे आगे एक 1 लगा हुआ है उसको भी यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पे 65 है मींस अबव 50 है, तो ये वाला नंबर 2 हो जाएगा, यहाँ 00 हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाला 1 एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पे 08 मींस ये 8 है तो ये भी बिलो 50 है तो ये हो जाएगा 5, ये एज इट इज लिखेंगे, यहाँ 00 हो जाएगा, और पीछे ये जो 25 है वो हम एज इट इज उतार देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नियरेस्ट टू 1000। अब जैसे कि नियरेस्ट टू 10 में हम लोग 10s के प्लेस वाला नंबर देखते थे, नियरेस्ट टू 100 में 100 के प्लेस वाला नंबर देखते थे, और ये वाला नंबर 50 से अबव या बिलो होना चाहिए। और यहाँ पे क्या होता है, हमें 1000 वाले नंबर्स को देखना होता है जो 1000 के प्लेस पे है, और इन तीनों नंबर्स को हम देखते हैं, जैसे कि ये 5 से अबव होना चाहिए या बिलो होना चाहिए, ये 50 से होता है, और ये होता है 500 से, क्योंकि 1000 है तो 1000 का जो मिड टर्म होता है वो होता है 500। 1 से लेके 1000 तक की बात करें तो मिड में आता है 500, तो ये नंबर अगर 500 या अबव 500 होता है तो ये नंबर चेंज होता है, इसमें प्लस 1 हो जाता है। बट अगर ये नंबर बिलो 500 है तो ये नंबर एज इट इज होता है और बाकी ये सब 0 हो जाएगा। जैसे कि ये नंबर देखिए बिलो 500 है तो ये वाला 2 एज इट इज हो जाएगा, यहाँ पे 00 हो जाएगा, और आगे का ये 1 ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये देखिए 508 यानी ये अबव 500 है तो ये जो 5 था वो 6 हो जाएगा, आगे यहाँ पे 000 ये पूरा 00 हो जाएगा, और जो पीछे में ये 2 लगा है वो एज इट इज लिखेंगे। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी मोर देन 500 है तो ये जो 4 था वो 5 हो जाएगा, ये पूरा नंबर 00 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ये वाला 3 एज इट इज। इसी तरह नेक्स्ट है, अब ये नंबर देखिए बिलो 500 है क्योंकि 33 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो बिलो 500 है तो ये वाला 6 एज इट इज हो जाएगा, यहाँ पूरा 00 लिखेंगे, और ये पीछे 4 एज इट इज। तो ये हो गया नियरेस्ट टू 10, नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू 1000। इसी तरह से नियरेस्ट टू 10,000, नियरेस्ट टू लैक भी नंबर्स आप कर सकते हैं। अब जैसे नियरेस्ट टू 10,000 आएगा तो उसमें 10,000 के प्लेस वाले नंबर्स चेंज होते हैं और मिड टर्म उसका आएगा 5,000। इसी तरह अगर लैक की बात करें तो लैक में जो मिड टर्म आएगा वो 50,000 आएगा। तो इस तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन को हिट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।